नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पे खासी अपनी नज़र रखते हैं और ये भी कहते हैं मुसलमानों के साथ कहीं अत्याचार होना नहीं चाहिए और उनको वही सम्मान मिलना चाहिए जो सभी को सम्मान मिलता है। आज एक मुसलमान परिवार का व्यक्ति हमारे साथ है जो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आया हुआ है। उनके ग्राम प्रधान उन्हें किस तरह से परेशान कर, किस तरह से उन्हें मुसलमान होने का खामियाजा भरना पड़ रहा है, यही जानते हैं उनसे। पूरा नाम क्या आपका? भड़कावलो। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ जो हमने अपना मकान बनाया है निजी, और उसमें आते हैं घर पर गाली गलौज करते हैं और पानी बहता है बारिश का, कहते हैं पानी क्यों आ रहा है और तुमको जान से मार डालेंगे अगर पानी आ गया। ये कहते हैं अतुल सिंह। अतुल सिंह, और अतुल सिंह कौन है? ये हैं उनका जिनका खेत है सड़क के पड़ोस में, उन्हीं खेत में जो खाली जगह ये तरफ होती है उस तरफ पानी बह जाता है, वो उनको इससे परेशानी होती है। और उनके भाई धैलेन सिंह वो भी ये सब परेशान करते हैं, और रिंकू सिंह और प्रधान वर्तमान साथ में आता है। क्या नाम है प्रधान का? प्रेम कुमार सिंह। प्रेम किस तरह परेशान किया? प्रेम कुमार पासी है, पासी, पासी, क्या कहता है? हाँ, वो आकर के कही तुम पानी क्यों बहा रहे, इसमें अगर पानी तुमको तुम्हारा मिल गया चलते हुए तुमको माल डालेंगे जान से। और उसने गाली गलौज किया और तमंचा भी रिंकू ने निकाला। तमंचा निकाला था? हाँ, वो कहे तुमको जान से मार देंगे अगर कहीं शिकायत की तुमने, थाने गए किसी को तुम शिकायत क्यों की? प्रमुख के पास हमने फोन किया, अपनी फरियाद बताई, प्रमुख के पास गए, कही वहाँ क्यों गए थे, मेरी शिकायत क्यों की, थाने क्यों गए, मंत्री के पास क्यों जाते हो? हमसे कहते हम सताया जाए और हमको कहीं फिरियाद करने की तकलीफ दे, हाँ अनुमति नहीं। और कही तुम देखिए, कहीं वहाँ से आदेश हो चुका है और जितने बांग्लादेश के पाकिस्तान से पहले आए थे अब वो निकाले जाएंगे, सब उनकी छटनी होगी। अच्छा, तुमसे कहते हैं कि तुम बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, तुम्हारी छटनी होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, छटनी होनी चाहिए, और तुमने वहाँ शादी की है और तुमको देशद्रोही में धराएंगे, तुम घुट बैठी हो, तुम्हारा धंधा चलता है यानी तुम्हारी वसूली होती है, ये हमसे कहते हैं, हमारी नकुम वसूली होती है, हम अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। तो आपके पिता और आपके बाबा दादा सब लखनऊ, मतलब यहीं हिंदुस्तान के हैं? हाँ, हिंदुस्तान के हैं। सब हिंदुस्तान के हैं, तो फिर आपका प्रधान को कैसे पता चला कि वो पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है? लो, कहीं तुम यहाँ बोर्ड बनवा लिया और तब असली हो गए, अब तुम वहीं के हो, तुम्हारा ये जगह जमीन यहाँ कुछ नहीं है, अनामी चीज में रहते हो, ये हमसे ऐसे शब्द को दुरुपयोग करते हैं, परेशान करते हैं। और कहिए जब डंडा लेकर के घुस जाए जिस घर में, आए हमारे पास खड़े हुए तमंचा लेकर के, और कहिए जमीन मेरी है। अच्छा, तमंचा लेकर के जमीन मेरी है, तुम भागो। हाँ, पर जमीन तुम्हारी है, कागज हाँ, तुम्हारे नाम है। हाँ, और कहते हैं तुम्हारे नाम यहाँ कुछ नहीं है, सब ऐसे ही तुम रह रहे हो। अच्छा, फिर तुम कहाँ गए, फिर तुमने क्या किया जब तुम्हें प्रधान द्वारा तब परेशान किया गया, परेशान हो रहे हो तुम, परिवार परेशान हो, गाली गलौज खा रहे हो, तो फिर उसके बाद तुम कहाँ गए? हमने अपने जो खास अजीज थे उन लोगों को बताया सब, थे तब उन लोगों ने जो अब उनके खिलाफ कोई कर नहीं सकता कार्रवाई, ना कोई बात कह सका, तब मजबूर होकर के हम थाने की तैयारी की चलने की। तब वो अतुल बोला कही कहाँ थाने जाओगे रिपोर्ट करने? हम कही हम जाएंगे। कही वहाँ जाओगे तुमसे पटा बजेगा, चलो वहाँ, अब यहाँ कुछ नहीं होगा, कहीं भी जाओ अब तुमको मारेंगे ज़रूर, जब पानी बहेगा मारेंगे ज़रूर, बारिश होती है तब आ जाते। तो इनका मामला ये है कि ये अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ एक गांव में रहते हैं जहां पर इनके गांव मतलब खेत में इन्होंने घर बना रखा है। अब गांव के मसला ये है कि गांव में नालियां होती नहीं, आपके गांव में नाली है? नहीं है। तो गांव में नालियां है नहीं, जहां ये रहते वहां नाली है? हम जहां रहते हैं वहां नहीं नाली है। अच्छा, जहां ये रहते वहां नाली है, जो घर का पानी होता है वो रोड पे जाता है, जो रोड पे जाता है तो रोड पे जाने के बाद किसी का खेत है, उस खेत में पानी चला जाता है, खेत में तो वैसे भी पानी जा रहा हो, ये भी जा रहा, तो क्या दिक्कत है पानी खेत में? इस पानी जाने से ही ये विवाद शुरू हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि जो प्रधान था
उसने इनको बांग्लादेशी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या कह डाला और इनको इनके परिवार से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम सब कुछ नकली बना के तुमने यहाँ रखा है, तुम लोग पाकिस्तानी हो, जिससे इनको भी गुस्सा लगता है कि इनका परिवार और सब हम लोग यहीं इंडिया में रहते हो तो मुझे पाकिस्तानी कहा जाता है, मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, जिसकी शिकायत लेके ये थाने भी गए। लेकिन थाने में जाने पर कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि प्रधान को इनके जाने से जैसे जाते पता चल जाता है थाने पहुँचे हैं तो इनको जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। परिवारों की सुरक्षा के लिए ही इधर तो भटक रहे हैं। क्या अब क्या कहना है आपका? अब क्या कहना, हमारी सुरक्षा की जाए सरकार से, हम परेशान करे जा रहे ना जाए तो हमारी सुरक्षा न्याय हमको दिलाया जाए। अच्छा, सुरक्षा मांग रहे परिवार, किससे? हाँ। सुरक्षा खतरा किसे, किससे तुम्हें खतरा? किससे? हमें प्रधान से खतरा है। अच्छा। प्रेम कुमार से और अतुल से और रिंकू सचिन से खतरा है तुम्हें? हाँ, इन्हें खतरा है। अच्छा। देलेन सिंह, इनसे खतरा है इन लोग। इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि मुसलमान है ये, या ये आप बांग्लादेशी हो, छटनी हो गई, तुम्हें जाना पड़ेगा, ये सब बातें ना की जाएं। और ना ही अभी जब सरकार बैठी हुई है, जब जो होना हो उन्हें पता चल जाएगा, आप इतने बड़े अधिकारी नहीं जो आप उनसे कह सको। और जो समस्या है पानी को लेकर तो उसका निवारण किया जाए, गाँव की समस्या प्रधान गाँव का पिता समान होता है, उसको वहाँ का निवारण स्वयं करना, उसके लिए जितने लोग सब एक समान है, चाहे बड़ा हो छोटा हो नन्ना मुन्ना जो भी हो, सब एक समान, उसको सबको लेके चलना है। अगर पानी निकालने की समस्या है तो उसका निवारण भी होना चाहिए।